नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे घर बैठे कैसे अपने मोबाइल या पीसी से मोरफो रिचार्ज करते हैं। कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर भी नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। किसी भी इंटरनेट ब्राउजर को ओपन करेंगे, इसमें सर्च करेंगे मोरफो आरडी सर्विस। फर्स्ट वाला जो लिंक है rdservice.online.com, इस पर क्लिक करेंगे। इस साइट का इंटरफेस कुछ इस तरह का मिलेगा। दोस्तों इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट आ सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों वैलिडिटी चेक करना होगा, आपका मोरफो का रिचार्ज है या नहीं या वैलिड है या नहीं। चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं। दोस्तों हो सकता आपका पीसी में भी सेम प्रॉब्लम देखने के लिए मिले, जैसे इसको हम 100% कर रहे हैं। अभी देख सकते हैं दोस्तों मेरा जूम 100% है। 100% करते हैं वैलिडिटी चेक करने के लिए ऑप्शन शो नहीं कर रहा। इसी को जब जूम इन करके हम 67% कर लेते हैं, देख सकते हैं अब मेरा वैलिडिटी चेक के लिए ऑप्शन शो कर रहा। चलिए दोस्तों अब वैलिडिटी चेक करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे वैलिडिटी चेक। इसमें सीरियल नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर को डाल दिए हैं। सीरियल नंबर आपको मोरफो के बैक साइड में मिलेगा, देख सकते हैं SN नंबर करके लिखा हुआ होगा। आप भी अपने मोरफो के बैक साइड में देख सकते हैं आपका सीरियल नंबर क्या है। सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों अगर आपका एक बार में नहीं आ रहा है तो 2-3 बार कीजिए सबमिट पर क्लिक, आपका शो हो जाएगा नीचे आपका। दोस्तों अगर आप पहले कभी भी किए हैं रिचार्ज तो उसका शो करेगा, कब रिचार्ज किए थे और कब एक्सपायर हुआ है। देख सकते हैं मेरा 11 अगस्त को एक्सपायर हुआ, 1 साल के लिए था। अब यहाँ पर डिवाइस स्टेटस में आपका डिवाइस इज वैलिड, आपका डिवाइस वैलिड है बट नॉट वाइट लिस्टेड, मतलब आपका मोरफो रिचार्ज नहीं है। चलिए फिर बैक आएंगे। रिचार्ज करने के लिए रिन्यू आरडी सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों रिचार्ज करने के लिए आपको 3 स्टेप में रिचार्ज करना होगा। पहला प्रोवाइड करना होगा क्वांटिटी एंड डिवाइस डिटेल। सेकेंड में आपको लॉग इन टू कंप्लीट चेकआउट आपको लॉग इन करना होगा। दोस्तों अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड नहीं है तो क्रिएट भी कर सकते हैं, पूरी डिटेल बताने वाले। थर्ड में आपको रिव्यू कार्ड एंड पेमेंट करना होगा। चलिए पूरी प्रोसेस बताने वाले हैं। बाय आरडी सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे। आपको सबसे पहले सर्विस वैलिडिटी ईयर पूछ रहा है, आप मैक्सिमम 3 ईयर को सिलेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 1 ईयर। चलिए हम 3 ईयर को करना चाहते 3 ईयर के लिए करना चाहते हैं तो 3 ईयर को सिलेक्ट करेंगे। इसमें क्वांटिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरा क्वांटिटी 1 है तो 1 रहने देंगे। इसमें अपना सीरियल नंबर डालेंगे और डिवाइस मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, मेरा E3 है तो E3 को सिलेक्ट करेंगे। चलिए अपना सीरियल नंबर डालते हैं, देख सकते हैं जैसे ही सीरियल नंबर डालते हैं नीचे आपका डिवाइस सीरियल नंबर इज वैलिड, और उसके बाद एड टू कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। मेरा कार्ड एड हो गया। आप 2 तरीका से आगे बढ़ सकते हैं, बी कार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर किसी कारण बस बैग हो जाता है तो यहाँ पर ऊपर में आपका शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। चलिए बी कार्ड पर क्लिक करते हैं। इसमें आपका ₹725 कटने वाला है, देख सकते हैं। इसमें टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे, चेक आउट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसमें आपका लॉगिन के लिए आ जाएगा। अगर आप पहले भी रिचार्ज किए होंगे तो यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार रिचार्ज कर रहे हैं तो न्यू यूजर पर क्रिएट अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों इसमें अपना ईमेल आईडी को फिलअप करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। चलिए दोस्तों हम अपना ईमेल आईडी को फिलअप करते हैं, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं।
दोस्तों जैसे ईमेल आईडी डाल करके सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं, आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ईमेल और दूसरा एसएमएस का। अगर आपका ईमेल आईडी से क्रिएट नहीं हो पा रहा तो आप एसएमएस के जरिए भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम अपना ईमेल आईडी के जरिए करना चाहते हैं तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, इसमें ओटीपी डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मेरा ईमेल में ओटीपी नहीं जा रहा था तो हम एसएमएस के जरिए अपने मोबाइल नंबर पर लिए हैं, ओटीपी डाल दिए हैं, वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों फर्स्ट नेम डालना होगा, लास्ट नेम, नीचे ईमेल आईडी डालना होगा। तो मोबाइल नंबर के ओटीपी से वेरीफिकेशन करते हैं तो आपको ईमेल आईडी डालना होगा, ईमेल आईडी के ओटीपी से वेरीफिकेशन करते हैं तो आपको मोबाइल नंबर डालना होगा और नीचे पासवर्ड डालेंगे। चलिए हम अपना डिटेल को फिलअप करते हैं। दोस्तों हम अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड को रख दिए हैं, आई एक्सेप्ट पर टिक करेंगे, क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों आपका डिटेल खोल करके आ जाएगा, नेम, ईमेल आईडी शो करेगा, नीचे आएंगे तो जीएसटी नंबर भी डाल सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। कंपनी ऑप्शनल है, एड्रेस डालना होगा, पिन कोड डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना होगा, सिटी को सिलेक्ट करना होगा, स्टेट को सिलेक्ट करना होगा, एक अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। चलिए हम अपना डिटेल को फिलअप करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं। पेमेंट के लिए आ गया है, अब यहाँ पर डिस्काउंट कोड भी डाल करके अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास कोई वाउचर उचर है तो इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए मेरे पास कुछ वाउचर नहीं है, चलिए कंप्लीट ऑर्डर इस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट ऑप्शन आया है, इसको सेलेक्ट करना है, आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे आएंगे नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर आप वॉलेट से करना चाहते हैं जैसे अमेजोन पे, फ्री रिचार्ज, पे लेटर, यूपीआई वॉलेट, नीचे आएंगे उससे यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई इस पर क्लिक करेंगे, पेटीएम से करना चाहते हैं पेटीएम पर क्लिक करेंगे। चलिए हम अपना पेटीएम से करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, पेटीएम मोबाइल नंबर, चलिए अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करते हैं, अपना ओटीपी डाल दिए हैं, वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, इसमें पासवर्ड डालने के लिए बोला, चलिए हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। अभी प्रोसेसिंग में है, इसको कुछ बैग वुक नहीं करना है, रिफ्रेश नहीं करना है। दोस्तों मेरा सक्सेसफुली रिचार्ज हो चुका है, देख सकते हैं, थैंक्स फॉर, आपका नाम शो करेगा, नीचे आएंगे इसमें ऑर्डर जो भी है आपका डिटेल शो करेगा। आई होप कि दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों कैसे जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर ना है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।